नमस्कार श्रोता बंधु, आध्यात्मिकतार पुण्यपीठ सबर श्रीक्षेत्र कोरापुटु मु प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास, इतिहास विभागीय मुख्य सरकारी महाविद्यालय कोरापुट तथा जातीय दृष्टिबाहित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक समेत शिक्षा निर्देशक आज आंतर्जातिक योग दिवस अवसर में रेडियो सुरभि 90.4 FM तरफर ओडिशार विदग्ध श्रोतामंडली हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुचे। बंधुगण, योग ही जीवन निर्णायक, योग बिना जीवन एठी स्थाणुप्राय। इतिहास वित्तीय गति रे सागर तरंगायित ढेउसम योग माध्यम ही जीवन एठी गतिशील एवं चलचंचल। योग ही तो एठी जन्म और मृत्यु चक्र को भेद करी पारे। पुनः पौनिक गति रे घूर्णनशील जीवन चक्र स्वयंचालित चकटीए भली घुरी घुरी प्रति मुहूर्त रे योग महत्व को वितरण करी थाए एठी विश्व पृष्ठ रे। योग ही संभवतः मानव को बार्धक्यरु मुक्ति देई मानव मध्यरे जीवनर संधान दिए एवं ता मध्यरे जौवनर सबुजीमा को भरी दिए। क्रांति को अपसारण करी मानव को करी थाए कर्म प्रवण। मानवर आचरण एवं उच्चारण को नियंत्रण करी मानव को दिव्य जीवनर संधान दिए योग। शैशव अवस्थारु जो दिव्यात्मा गण योगाभ्यास को जीवनर व्रत रूपे ग्रहण करी नियंती सेमानंकर जीवन क्रांति एवं अवसादरु दूरी रहे एवं क्रांति एवं अवसाद सेमानंकु कदापि विव्रत करी पारे नाही। बरं ए विश्व पृष्ठरे प्रतिति विव्रत आत्मा को स्थिर तथा शांत कराई कर्म प्रवण कराए। तेणु तो बंधुगण मो लेखनीरु झरी आसे योग बिना एठी जीवन काहीं, योग बिना एठी जीवन काहीं, योग बले सिना जीवन दौड़ई, योग बले सिना जीवन दौड़ई। बंधुगण, यही योगाभ्यास अधुना मनुष्य मध्यरु अपहृत होइतिबा आत्मविश्वास को पुनः जाग्रत कराए। फलतः मनुष्य मध्यरे योगाभ्यास माध्यमरे एक शृंखलित जीवन पर्याय को संधान करा जाई पारे एवं अनावश्यक जीवन जंजालु मनुष्य मुक्ति लाभ करे। पुनश्च योगाभ्यास माध्यमरे आत्मबल को द्विगुणित करा जाई पारे। जीवनरे उपजुथिबा प्रतिटि समस्या योग माध्यमरे ही समाधानर पंथा उन्मोचन करे एवं मनुष्य को एक पंकिल पर्याय मध्यरु उद्धार करी आने। मानवर बौद्धिक दिग्बलय को शाणित करी दिव्य दृष्टि प्रदान करे। फलतः दिव्य दष्टा महामनीषीगण ए विश्वर कल्याण निमित्त अमूल्य साहित्यर सृष्टि करी पारंती योग माध्यमरे। सेमानंकर दिव्य ज्ञान बलरे ए विश्ववासींकु नूतन दिग्दर्शन प्रदान करंती। तेणु एथर बुझिबाकु हेब जे योगाभ्यास ही मनुष्य मध्यरे आत्मबल माध्यमरे सुप्त शक्ति को जाग्रत करे एवं एही शक्तिर उपयुक्त विनियोग करी मनुष्य एक मर्यादापूर्ण स्थान रे निजकु अवस्थापित कराए। एही आत्ममर्यादा पुणी मनुष्यर स्वाभिमान को जाग्रत करे। मनुष्य मध्यरे स्वाभिमान जाग्रत हेले से दिव्य ज्ञानर संधान करी पारे। तेणु तो पुरातन कालरे बहु योग साधक सेमानंकर आत्मज्ञान बलरे मानव समाज पई बहु उपादेय ग्रंथ को सृष्टि करी संस्कृतिर सुरक्षा पई पथ परिष्कार करथिले। आजि हुए तो से पुरातन संस्कृतिर धारा शिथिल अथवा अवलुप्त प्राय। तेणु आसंतु आजिर ए आंतर्जातिक योग दिवस रे आमे समस्ते योगाभ्यास को जीवनर व्रत रूपे ग्रहण करिनेबा
ଏବଂ ଯୋଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱହିତ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରି ମାନବ ସମାଜକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ମାନବର ଅପଭୂତ ତଥା ଅବଲୁପ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନଃ ଭେଟିଦେବା। କାରଣ ଆମେ ପରା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା। ଆମେ ଆମ ଦିବ୍ୟତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ପୁନଃ ଶୋକ ରହିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ହିତ ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ପୁଲକ ଭରିଯିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଫଳବତୀ ହୋଇପାରିଲେ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତ ମୋ ଲେଖନୀରୁ ଝରି ଆସି ଯୋଗ ବଳେ ସିନା ବିଶ୍ୱର ହିତ, ଯୋଗ ବଳେ ସିନା ବିଶ୍ୱର ହିତ, ଯୋଗ ବିନା ଏଠି, ଯୋଗ ବିନା ଏଠି ବିଶ୍ୱ ବିବ୍ରତ, ଯୋଗ ବିନା ଏଠି ବିଶ୍ୱ ବିବ୍ରତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ମନର ଭାବନାକୁ ରେଡ଼ିଓ ସୁରଭି 90.4 FM ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା କାରଣରୁ ରେଡ଼ିଓ ସୁରଭି 90.4 FM ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏ ଦିବସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଭରିଦେଉ, ଏତିକି ହିଁ ଆଜି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।